जा भाग जा भाग जा जल्दी जा जल्दी जा। अरे सरकारी का वो तेली जा। प्रयागराज के जिला कचहरी में शुक्रवार की शाम को जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान कुछ लोग मतपेटिका लेकर मौके से भागने लग गए। काफी देर खोजबीन के बाद मतपेटिका पास के भवन से मिली, जिसे तोड़कर मतपात्र भी बाहर फेंक दिए गए थे। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव निरस्त करने की घोषणा कर दी। इसकी जानकारी होने पर वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रयागराज के जिला अधिवक्ता संघ के चुनावों में पूरे मतदान में जमकर हंगामा हुआ है। मतदान के समय के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मतदान पेटी को किस तरह दिन दहाड़े तोड़कर उसके मत पत्रों को फाड़ा जा रहा है। इस दौरान चुनाव कमेटी ने मौके पर भारी पुलिस बल को भी बुला लिया था। बता दें कि इस चुनाव में 122 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद होना था। संघ के 8 पद एवं कार्यकारिणी के 10 सदस्यों के लिए मतदान कराया जा रहा था। इसमें कुल 5,931 सदस्य मतदाता हैं। दोपहर 3 बजे के बाद अचानक चुनावी माहौल में फर्जी वोटिंग की हवा फैल गई थी। फर्जी मतदान की जानकारी लगते ही वकीलों में आग सी फैल गई और शांतिपूर्ण माहौल को अशांति में बदल दिया। प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता बताते हैं कि फर्जी वोटिंग के मामले को लेकर पहले हंगामा शुरू हो गया और सैकड़ों अधिवक्ता मतदान वाले कैंपस के पास पहुंच गए। इस दौरान जब अधिवक्ताओं की भीड़ इकट्ठा हुई, तब और माहौल गर्म हो गया। कुछ अधिवक्ता एक दूसरे से हाथापाई पर भी उतर आए। बता दें, मतदान के लिए कुल 12 मतपेटियां रखी गई थी। हंगामे के बीच कुछ समर्थक अचानक 2 नंबर की एक मतपेटी को खींचकर बाहर उठा ले गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, वो मतपेटी को तोड़कर उसमें वोटरों द्वारा डाले गए मतों की पर्ची सड़क पर बिखेरना शुरू कर दिया। बता दें, कलेक्ट्रेट के संगम सभागार में 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से मतगणना प्रस्तावित थी। हालांकि चुनाव स्थगित होने से प्रत्याशियों और मतदाताओं को दोबारा तारीख घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है। रख ले यार, वैसे देखो ना।